तो ये भी हमारी नई नई वाली सीट, और यार इतना सही सीटिंग पोजीशन है, लेकिन हमारे यहाँ से यहाँ तक। तो भाई फाइनली सीट आ चुकी है, ये देखो यार सीट, बाकी सीट लग। हाँ जी, क्या हाल चाल भाई और सब मजे में? तो भाइयों, मैं हूँ आप सभी का अपना भाई सुनील, आप सभी का मैं अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक और फ्रेश एपिसोड के साथ। तो भाई, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी स्कूटी की नई सीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम सोचा होता है कि स्कूटी की सीट लगवानी है लगवानी, बट फाइनली लग चुकी है। बट लगी किस लिए वो आप एक बार देखो कि सीट। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक बार, ये देखो क्या हालत की इसने। अब ये मैं दिखाता हूँ ये किसने किया, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यार धज्जिया हो जा रही है इसने पूरी सीट की ना। अब ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब कि पूरी तरह से इसने फाड़ दिया। अब मैं दिखाता हूँ किसने किया है। अब देखो आप इसको देखो, ढंग से देखो, इसी ने किया है। शक्ल से भाई मासूम है, बट है नहीं भाई, मासूम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शैतान है ये, बहुत ज़्यादा शैतान। देखो कैसे भाग रहा है अब थोड़ा। अब जाके इसको ठीक करवा दें, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब ये देखो इसने पापा का भी ख़राब किया था, इसने पापा की पूरी गद्दी फाड़ दी थी। यहाँ पे पापा ने दूसरी गद्दी लगवाई पापा ने। अब यहाँ पे देखो इसने फिर से फाड़ दिया, ये देखो इसने पापा की गद्दी फिर से फाड़ दी है, ये देखो। तो पापा भी इसे ठीक करवा के लाए थे। अब तो भाई आप लोगों ने देख लिया यार, मैंने सीट क्यों लगवाई है यार, आप क्या कह सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं कर सकते यार, हम भी क्या बोले बताओ। उसने एक्चुअली मेरे पापा के स्कूटर की गली में ना लगभग 10-12 स्कूटर है जिसकी उसने ये सेम हालत की। अब क्या कह सकते बताओ, गली वालों का हमारे हमसे झगड़ा भी हो गया इस चक्कर में, बट कोई नहीं यार, बच्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सीट कैसी है, ठीक है? तो भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम एक्चुअली ये हुई है, जो शॉप ओनर थे तो यार उन्होंने ना मुझे वीडियो बनाने नहीं दीजिए बिल्कुल भी, छोटी सी क्लिप भी, क्योंकि यार वो कह रहे थे भैया हमारी प्राइवेसी हम नहीं दे सकते। तो ठीक है यार, वो बंदा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार सीट दिखा देता हूँ, अब आप एक बार सीट देखो, बाकी आपको मैं बिल्कुल फाइनल लास्ट में बताऊँगा वीडियो सीट का प्राइस क्या है और इसकी कॉस्टिंग वगैरह कैसी है, कहाँ से मैंने सीट बनवाई है। तो भाई फाइनली सीट आ चुकी है, मैं सीट बनाते हुए वीडियो दिखा नहीं पाया यार, उन्होंने अलाउड नहीं किया जहाँ से करवाया काम, ठीक है। और भाई मैं बता रहा हूँ बहुत तगड़ी सीट है, बहुत ज़्यादा तगड़ी सीट है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो यार सीट, बाकी सीट लग जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसी सीट लगेगी इसकी ना, तो ये अल्टीमेट यार, मतलब कि सही काम हो गया ना, आपको मैं दिखा दूंगा कैसे होगी। एक बार सीट लग जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसी सीट होगी इसकी, लगने के बाद कैसे दिखेगी। तो भाई मैं आपको एक बार सीट दिखाता हूँ, आप एक बार सीट देखो। तो ये भी हमारी नई नई वाली सीट, और यार ये देखो कितनी सही सीट है ना। अब मैं मेन जो सीट में जो मुझे सबसे मेन जो सही चीज़ लगी है वो लगी इसका, ये बैक सपोर्ट, इसमें मेन है बैक सपोर्ट, बहुत तगड़ा बैक सपोर्ट है यार। मैं ना एक मैं मूथल वगैरह जा चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल भी, मैं बहुत ही कम्फर्टेबल गया। देन यहाँ पर आप इसकी कुशनिंग देखो यार, मैं कितने कम्फर्टेबल है ये, कितनी कम्फर्टेबल सीट है, ठीक है। देन इसकी जो थर्ड है यार, इसकी हाइट वगैरह बहुत सही हाइट है इसकी, जो प्लेनर बैठे वो बहुत अच्छी हाइट पे पहुंच जाएगा, जैसे R15 बाइकों में होता है। बाकी सीट के कुछ फ़ायदे या फ़ायदे ये है कि आप इस सीट में बैठ के आप कहीं भी लॉन्ग राइड मार सकते हो, एक आपको 300-400 किलोमीटर की राइड मारनी हो आप इजीली मार सकते हो, पेन नहीं होगा। जो एप्रिलिया में आता है पहले लगा हुआ आता है उसमें क्या होता है, हम ज़्यादा लंबी राइड मार नहीं सकते थे, उसमें ना बहुत पेन होता है बैक में होता है, देन हमारे बम में पेन होता है। अब इससे क्या, हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे बम में कोई पेन नहीं होगा, हमारे बैक में कोई पेन नहीं होगा, ठीक है। बाकी कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको सब बता दूंगा लास्ट में, आप पूरी देखना। बाकी एक बार 360 व्यू ले लो आप एक बार सीट का, ये देखो आप, ये पूरी सीट है। बाकी आपको कंफर्ट वगैरह सब दिखा दूंगा बैठ के, कैसे हमें कंफर्ट मिलेगा। देन ये देखो आप इसकी ना सीट की। तो भाई मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, इसमें बैठने के बाद हमें कैसी पोजीशन मिलेगी, ठीक है। देखिए हमारा जो सीटिंग पोजीशन होगा वो कैसा होगा, तो भाई ये देखो आप एक बार, जिसमें सीटिंग पोजीशन है कि हमारा कितना सही सीटिंग पोजीशन है, लेकिन हमारे यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन है कितना कंफर्टेबल है। देन अगर हम इससे कोई भी लॉन्ग राइड करते हैं या कोई भी ऑफ रोडिंग करते हैं, पता क्या बेनिफिट होगा, ये देखो आप बेनिफिट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, जैसे हम कभी ऑफ रोडिंग करते हैं, कभी लॉन्ग राइड करते हैं, जो हमारे बैक है ना, देखो यार यहाँ तो पेन होने नहीं वाला कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सपोर्ट जो है बहुत तगड़ा सपोर्ट है, बहुत तगड़ा, बहुत सही सपोर्ट है यहाँ का। ये देखो आप, अब देखो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, देखो कितनी सही हमें ये
सपोर्ट दे रहा है, कितना सही तगड़ा सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे ना। तो ये फायदा है, इसकी क्वेश्चनिंग बहुत ही सही है, बहुत ही सही क्वेश्चनिंग है इसकी, ठीक है। इससे हमारे बम में कोई पेन नहीं होगा, ठीक। बाकी ये देखो आप, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये कैसे हमें सपोर्ट देगा, ठीक है, लाइक कैसे हमारी हेल्प करने वाला लॉन्ग राइड में। तो भाई मैं आपको एक पूरा इसका देता हूँ ओवरव्यू स्कूटी का, ये देखो कितना सही लग रही है स्कूटी का अपनी। ये है इसका देखो फाइनल जो अभी लुक है भाई, काम अभी इसमें और भी काम होना है इसमें। तो भाई मैं आपको फाइनली बता दूँ इसका प्राइस कितना लगा है, ठीक है। इसमें जो लगे हुए 2500 रुपये लगे हैं, तो फिर यार 2500 रुपये बिल्कुल ठीक है सीट के हिसाब से, क्योंकि यार बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। भाई किसी भाई को बनवाना हो तो मैं नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उनसे बात कर लेना, बनवा सकते हो। बाकी यार देखो बार्गेनिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, 2500 करो तो आप 2200 में कन्वर्ट करो, आप 2300 में करो, 2400 में, वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। बाकी अगली वीडियो जो मेरी आएगी वो फॉग लाइट और मेरी स्कैरियर के ऊपर आएगी, और जो मैंने आगे अपना हैंडल के ऊपर मैंने जो लगाया ये रॉड ये बार इसके ऊपर वीडियो आएगी, तो यार देख लेना। अगर आपको लगे आपके हिसाब का चैनल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्या करना नहीं करना आप सबको पता है। तो भाई अपना ध्यान रखना, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।